बिलासपुर जिला के अंतर्गत आने वाले सैकली गांव में कुछ दिनों पहले एक महिला के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर सैकली गांव की महिला मंडल प्रधान व अन्य कार्यकर्ताओं महिलाओं के द्वारा उपायुक्त बिलासपुर व एसपी बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके कठोर सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव की महिलाएं डर के साए में जी रही हैं, क्योंकि गांव में महिलाएं अपने पशुओं के चारे के लिए दूर दराज के खेतों व वनों में घास काटने तथा लाने के लिए अकेली जाती हैं, और कहीं इस तरह की घटनाएं उनके साथ व उनके बच्चों के साथ न घटित हो जाए, जिसको लेकर उन्होंने मांग की है कि आरोपी के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ताकि दूसरी बार इस तरह की कोई घटना घटित न हो और महिलाएं बिना किसी डर के यहां वहां आ जा सके। उन्होंने कहा कि उनके गांव में पुलिस की पहरेदारी को भी बढ़ाया जाए, ताकि गांव में होने वाले गुंडागर्दी पर भी रोक लग सके और कानूनी व्यवस्था सुचारू रूप से चली रहे। हम डीसी साहब से मिलने आए, हम महिला मंडल साइकिली से आई हुई सारी महिलाएं। हमारे गाँव में बलात्कार का जो केस हुआ है, हम चाहते आगे ना हो ऐसे, हमें इंसाफ मांगने आए इधर। आइंदा के लिए हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें, हमारी दरान जठानियाँ घास को जाती है, अकेले जाती हैं। जैसे आज से बाद ये कुछ ना हो, हम इंसाफ चाहेंगे डीसी साहब से, क्या से बात कुछ ना हो ऐसे। जस्टिस फॉर सीमा, सबको हमारे को इंसाफ चाहिए। चाहती ये आगे से हमारे गांव में कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई ऐसी जो पुलिस आती है रोज की वो ना आए, इंसाफ करे, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, कोई गुंडागर्दी ना फैले, और जो ये केस हुआ है इसमें हमें इंसाफ चाहिए हो। हमारी जिम्मेवारी के लिए पुलिस डीसी कोई भी, हमारी सरकार हमारी सहूलियत दे, हमारी जिम्मेवारी दे, इसके लिए हम यहाँ पे डीसी ऑफिस आए, डीसी साहब और एसपी से मिलने आए। हमारे साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना न घटे, जितनी भी लेडीज है गांव की, चाहे और ये हत्याचार हो रहे हैं सारे हिमाचल में, सारे वर्ल्ड में, दिन पर दिन बहुत ये हत्याचार का जो बढ़ रहा है, इसमें रोक लगाई जाए।